दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज दीपावली का त्यौहार है और केडीबी लाइव की तरफ से आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। जी हां, आज दीपावली है और खबर पहले दीपावली से ही होना चाहिए। तो दीपावली के मौके पर पटाखे फोड़ने को लेकर राज्यों ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। जी हां, कुछ राज्यों ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है तो कुछ ने एक तय समय सीमा के अंदर ग्रीन पटाखों के ही इस्तेमाल की अनुमति दी है। जी हां, दीपावली के मौके पर पटाखे फोड़ने को लेकर राज्यों ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। कुछ राज्यों ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है तो कुछ ने तय समय सीमा के अंदर ही ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। बिहार की बात करें तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने प्रदेश के यानी कि बिहार के 4 शहरों में किसी भी प्रकार के पटाखे छोड़ने पर रोक लगा दी है। जी हां, पटना, गया, मुजफ्फरपुर एवं हाजीपुर के डीएम को पत्र भेजकर निर्देश दिया गया है कि अपने अपने जिलों में किसी भी तरह के पटाखे बेचने या फिर फोड़ने पर सख्त रोक लगाएं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में मॉब लिंचिंग की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां भागलपुर में रंगे हाथ चोरी के आरोप में पकड़े गए एक युवक को गांव के लोगों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले पिटाई से घायल चोर को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया था, लेकिन बहुत बहरहमी से पिटाई के चलते उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दरअसल ये घटना भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के सकरुल्लाह इलाके की है। पुलिस के मुताबिक सकरुल्लाह चक के ही झोपड़ी पट्टे के रहने वाले मोहम्मद गुड्डू को चोरी के आरोप में बेरहमी से पीटा गया, जहां इससे उसकी जान चली गई। ये घटना मंगलवार की सुबह की है। जहां इलाके की रहने वाली महिला रेणु देवी ने थाने में चोरी को लेकर लिखित शिकायत की है। जहां उसने मोहम्मद गुड्डू और उसके एक अन्य साथी पर घर में घुसकर चोरी का आरोप लगाया। जहां वही युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। दोस्तों अब बात करते हैं कि मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों तक स्थिर बना रहेगा, यहाँ इसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं दिखेगी। हालांकि सुबह कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा, साथ ही हवा धीमी रफ्तार से चलती रहेगी। यह मौसम का ये हाल कोसी सीमांचल और पूर्व बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया और किशनगंज में बना रहेगा। यह मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक बारिश के भी आसार नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार सुपौल, पटना, सीवान, गोपालगंज, सारण, नवादा और नालंदा जिले के पानी में यूरेनियम की मात्रा मानक से भी काफ़ी अधिक पाई गई है, जिसके कारण यहां का पानी पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। यह खबर के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मानक के अनुसार पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, पर बिहार के इन जिलों के पानी में यूरेनियम की मात्रा 50 MPL से अधिक है, जो खतरनाक है। आपके बता दूं कि रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को यह पता चला है कि राज्य के सुपौल, पटना, सीवान, गोपालगंज, सारण, नवादा और नालंदा जिले के पानी में यूरेनियम की मात्रा मानक से काफी अधिक है। इसके अलावा बिहार के गया, जहानाबाद तथा औरंगाबाद के पानी में भी यूरेनियम पाया गया है। जब पानी में यूरेनियम मिलने से वैज्ञानिक हैरान है और ये पता लगा रहे हैं कि इन जिलों के पानी में यूरेनियम की मात्रा कहां से आया है। जब वैज्ञानिक ये भी पता लगा रहे हैं कि जहां पानी में यूरेनियम मिला है वहां इसके खदान की तो संभावना नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी के बीच एक बार फिर से पुरानी कहानी दोहराई गई है। जहां जहरीली शराब पीने की वजह से 3 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। जहां घटना गोपालगंज की है, यहां 3 लोगों की मौत संदिग्ध हालात में हो गई। जहां घटना गोपालगंज के महमदपुर इलाके की है, यहां 3 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई। परिजन खुद इस बात की जानकारी दे रहे हैं, जबकि प्रशासन शराब पीने से मौत की वजह को खारिज कर रहा है। जहां गोपालगंज जिले के SDPO ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि मृतक में से एक का नाम संतोष साह, परिजनों के मुताबिक उसने शराब पी थी जिसके बाद तबीयत बिगड़ी और बाद में उसकी जान चली गई यानी कि मौत हो गई। यह गांव के लोगों का कहना है कि शराब पीने से 3 लोगों की जान गई है, जबकि 4-5 लोग अभी भी बीमार है, जहां उनका इलाज मोतिहारी के अस्पताल में चल रहा है। यह शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में जहरीली शराब से मौत की खबर समय समय पर सामने आती रहती है। यह गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत का ये पहला मामला नहीं है। यह इसी साल फरवरी महीने में
मुजफ्फरपुर के कटरा में 5 लोगों की जान चली गई थी और वे जहरीली शराब पीने से। जब मुजफ्फरपुर के मनिहारी में ही 26 फरवरी को 2 लोगों की जान गई थी जहरीली शराब पीने की वजह से। नवादा के अंदर भी 16 लोगों की जान गई जहरीली शराब पीने की वजह से। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग अगर वैष्णो देवी मथुरा वृंदावन और रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो फिर ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। जहां खबर के अनुसार IRCTC आस्था ट्रेन के द्वारा लोगों को इन जगहों पर दर्शन कराएगी। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि ये ट्रेन बिहार के रक्सौल से खुलेगी और बैरगनिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा, बक्सर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए माता वैष्णो देवी का दर्शन कराएगी। इसके बाद आप इस ट्रेन से स्वर्ण मंदिर, हरिद्वार, हर की पौड़ी, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन में और अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें कि यह ट्रेन 25 नवंबर को बिहार से खुलेगी और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराते हुए 6 दिसंबर को वापस आ जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार उपचुनाव में भले ही RJD एक भी सीट नहीं जीत पाई मगर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को लेकर जो बात कही थी वह 100% सटीक निकली है। जहां लालू प्रसाद यादव ने चुनाव से पहले कांग्रेस की बिहार में हैसियत को लेकर जो तंज कसा था, नतीजा आने के बाद साफ हो गया है कि यानी कि रिजल्ट आने के बाद साफ हो गया है कि वह बिल्कुल सही था, यानी कि लालू प्रसाद यादव बिल्कुल 100% सही था। जी हां, बिहार में कांग्रेस की क्या हैसियत है और महागठबंधन में रहकर कांग्रेस को कुछ 16 स्थान सीट पर चुनाव लड़ने के लिए दे दिया जाता है तो फिर उसकी क्या दूरदर्शी होगी, ये शायद लालू प्रसाद यादव पहले ही भांप गए थे और इसीलिए पटना लौटने से पहले ही दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस को उनकी हैसियत याद दिला दी थी। दोस्तों सोशल मीडिया पर अक्सर ये सुनने देखने को मिल जाता है कि एक ऐसी मशीन बनाई जाएगी, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, यानी कि इधर से आलू डाला जाएगा और उधर से सोना निकलेगा। ऐसी मशीन लगाऊंगा इस साइड से आलू घुसेगा उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। इसको लेकर कई बार सियासी तंज भी कसे गए हैं लेकिन बिहार में अब ये सच साबित हो गया है। जी हाँ, दरअसल तरल सोना के नाम से प्रसिद्ध पेट्रोल डीजल अब प्लास्टिक के कचरे से बनाया जाएगा, यानी कि प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाया जाएगा। जी हाँ, इसके लिए एक मशीन भी बनाई गई है जिसमें इधर से प्लास्टिक का कचरा डालिए उधर से तरल सोना यानी कि पेट्रोल निकल आएगा, डीजल निकल आएगा। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 6 रुपये के प्लास्टिक कचरा से 70 रुपये का पेट्रोल डीजल बनाया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामशरत राय ने मुजफ्फरपुर के ढूरनी कुए खरोना में मंगलवार को प्लास्टिक और कचरा से पेट्रोल डीजल बनाने वाली इकाई का उद्घाटन किया, मशीन का उद्घाटन किया। मंत्री जी ने प्लास्टिक के कचरे से तरल सोना उगने वाली मशीन लगे प्लांट में तैयार 10 लीटर डीजल की खरीदारी भी की है। यह बताया जा रहा है कि इस प्रोडक्शन यूनिट में प्रतिदिन 200 किलो प्लास्टिक कचरा से 150 लीटर डीजल और 130 लीटर पेट्रोल तैयार होगा। यह यूनिट नगर निगम से 6 रुपये प्रति किलो की दर से प्लास्टिक कचरा की खरीद करेगी। दोस्तों हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार को भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन की जीत बताया है। जो ANI से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि वे देश के लोगों को दबाना चाहते हैं, उनकी चालबाजियां बढ़ रही है, वे देश को बेचना चाहते हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, लोग इस सरकार से दुखी हैं। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि बीजेपी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में हार गई, ये उन लोगों ने हराया है जो इनसे नाराज हैं। बीजेपी की हार किसान आंदोलन की जीत है। इंडियन नेशनल लोक दल के नेता अभय सिंह चौटाला की जीत पर राकेश टिकैत ने कहा है कि जनता ने अभय चौटाला को जिताकर किसान आंदोलन के अपने समर्थन पर मोहर लगा दी है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब की राजनीति में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की एंट्री होने जा रही है। ममता बनर्जी से खुद को अलग करने के बाद प्रशांत किशोर अब कांग्रेस के लिए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करते हुए नजर आएंगे। इस बात की जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने दी है। जहां उन्होंने पार्टी नेताओं से बातचीत के दौरान कहा है कि प्रशांत किशोर जल्द ही बतौर रणनीतिकार पार्टी से जुड़ेंगे। चन्नी ने बताया है कि पार्टी आलाकमान ने उनसे चुनावी रणनीति को प्रशांत किशोर के साथ साझा करने को कहा है।
दोस्तों लोग पेट्रोल डीजल की ऊंची कीमतों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए नजर आते हैं। पूरे भारत से तस्वीरें लोगों को तेल की उच्च कीमतों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें आम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने गाड़ियों के टैंकों को भरते समय अलग अलग मुद्राओं में नमस्कार देकर उनका शुक्रिया अदा करते दिख रहे हैं। यह आम लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमतों ने अनियंत्रित और बेरोकटोक बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से देश भर के यात्रियों में भारी नाराजगी है। यह पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की जेब में गहरे छेद कर दिया है। आम लोगों की आय पहले कोविड-19 महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई और अब पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों ने संकट को और बढ़ा दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार की नीति पर जोरदार हमला बोला है। जी हां, उन्होंने एक लेख के जरिए कोविड-19 से निपटने के लिए मोदी सरकार की पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि अगर पीएम मोदी के जन्मदिन पर 1 करोड़ टीके लग सकते हैं तो फिर रोज क्यों नहीं लग सकते। एक अखबार में छपे लेख में सोनिया गांधी ने कहा है कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर के लिए सरकार की तैयारी नहीं थी। जी हां, उन्होंने आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीजों, असहाय परिवार जनों का दर्द सरकार नहीं समझा, उसे नहीं भूल सकते। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मोदी सरकार इवेंट मैनेजमेंट का मौका क्यों समझती है। सोनिया गांधी ने निशाना साधते हुए कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 1 करोड़ टीके लगे तो फिर इतने टीके रोज क्यों नहीं लग सकते। इधर महंगाई को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को लपेटा है, आरो हाथों में लेते हुए उन पर हमला बोला है। जी हां, प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि त्योहार का समय है, महंगाई से आम जन परेशान है, चुनाव के समय जनता माफ नहीं करेगी। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं, हालांकि आज कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी सरकार की लूट वाली सोच ने त्योहारों से पहले महंगाई कम करने की बजाय गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, तेल, सब्जी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। जब चुनाव के समय भाजपा 1-2 रुपए घटाकर जनता के बीच जाएगी, जब तब उसे करारा जवाब मिलेगा। जनता कभी माफ नहीं करेगी मोदी सरकार को। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में त्योहारों की सीजन में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक तौर पर सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है तथा लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। यह खबर के अनुसार 25 अक्टूबर 2021 को बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 35 थी, जो 30 अक्टूबर 2021 को बढ़कर 47 हो गई। वहीं वर्तमान समय में यानी कि अभी बिहार के अलग अलग जिलों में कोरोना के कुल 43 एक्टिव मरीज मौजूद हैं। जी हां, आपको बता दूं कि बीते 10 दिनों में बिहार में कोरोना के 63 नए मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जब दीपावली और धनतेरस की खरीदारी करने के लिए बाजारों में लोग पहुंचे और लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहाँ असल में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि राज्य में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव में वे अपने चाचा की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ करार करेंगे, यानी कि गठबंधन करेंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। असल में इसे दीपावली पर चाचा शिवपाल यादव का बड़ा तोहफा माना जा रहा है, क्योंकि शिवपाल यादव SP से यानी कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के लिए काफी दिनों से लगे हुए थे और लगातार बयान दे रहे थे। लेकिन आज अखिलेश यादव ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी चाचा की पार्टी, प्रगतिशील समाज पार्टी और सभी छोटे और क्षेत्रीय दलों के साथ चुनावी गठबंधन करेगी। हालांकि पहले माना जा रहा था कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह के 22 नवंबर को होने वाले जन्मदिन से पहले चाचा के साथ चुनावी गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने चाचा को इससे पहले ही ऐलान करके दिवाली गिफ्ट कर दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में युवा लड़कों से ज्यादा लड़कियां तंबाकू का सेवन कर रही है। जी हां, 13 से 15 आयु वर्ग के लड़के 6.6% और लड़कियां 8% किसी न किसी रूप से तंबाकू का सेवन कर रही है। जी हां, बिहार में 7.3% छात्राएं किसी न किसी रूप से तंबाकू का सेवन करते हैं, हालांकि राष्ट्रीय औसत 8.5% है। ग्लोबल यूथ टुडे को सर्वे के तहत बिहार से संबंधित रिपोर्ट मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू सेवन
अतिक्रमण के दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता को लेकर शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में 100% तो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में 90% से ज्यादा बच्चों को जानकारी है। जहां राज्य स्वास्थ्य समिति परिसर स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भी मंगल पांडे ने कहा कि बिहार को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में सभी के सहयोग की जरूरत है। 2010 में बिहार में 53.5% लोग तंबाकू उत्पादों का सेवन करते थे, जो कि 2018 में घटकर 25.9% हो गई। यह तंबाकू के ओवरऑल सेवन में कमी आई है। 19 जिले तंबाकू मुक्त घोषित हो चुके हैं। उन्होंने किसानों से तंबाकू की जगह वैकल्पिक खेती को अपनाने पर जोर दिया है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे में लड़कों से ज्यादा लड़कियों के तंबाकू सेवन को लेकर हैरानी जताया है। और कहा कि रिपोर्ट्स के आधार पर आगे नीति निर्धारित करने में यह सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके प्रति जागरूकता बढ़ानी होगी। दोस्तों, बिहार में पढ़ाई करने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पटना, दरभंगा, गया, भागलपुर, छपरा के कॉलेजों में सीटें बढ़ा दी गई है। इस पर सरकार ने भी सहमति दे दी है। खबर के अनुसार बिहार के कॉलेजों में अब कुल 18,899 सीटें हो गई है। ये उच्च स्तर शिक्षा हासिल करने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे की उम्र 11 साल या फिर उससे कम है और वह इंस्टाग्राम और स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया ऐप बच्चों को रियल लाइफ में मानसिक तौर पर बीमार कर रहे हैं। वही वर्चुअल वर्ल्ड में भी इनका दुष्प्रभाव दिखने लगा है। बच्चों का व्यवहार चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन से भर गया है। अमेरिकी जर्नल कंप्यूटर इन ह्यूमन बिहेवियर में छपी एक हालिया रिपोर्ट किस तरीके से इस बात का खुलासा किया है। अमेरिकी जनरल कंप्यूटर की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर 11 साल से छोटी उम्र के बच्चे इन दोनों एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो ये डिजिटल या फिर वर्चुअल दुनिया में भी बच्चों को चिड़चिड़ा और डिप्रेशन का शिकार बना रहे हैं। यानी कि असल जिंदगी में तो बच्चे के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ ही रहा था, अब वर्चुअल वर्ल्ड में भी बच्चे चिड़चिड़ापन हो रहे हैं। अमेरिकी की एक रिसर्च लैब वेलनेस सेंटर फॉर वीमेन ने उत्तर पूर्वी अमेरिका के करीब 773 स्कूलों में सभी वर्ग और उम्र के स्कूली बच्चों पर एक सर्वे किया। इस दौरान यह कोशिश की गई है कि वर्चुअल वर्ल्ड में किस उम्र के बच्चों को कौन से एप्लीकेशन सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि बाकी सोशल मीडिया ऐप की तुलना में इंस्टाग्राम और स्नैपचैट 11 साल से कम उम्र के बच्चे पर बुरा असर डाल रहे हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 13 नवंबर को नई दिल्ली में दिए जाएंगे। इस दौरान टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नीरज चोपड़ा के अलावा ओलंपिक खेलों में देश का नाम रोशन करने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, पहलवान रवि कुमार और हॉकी टीम के खिलाड़ी सृजेश पीआर को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इन सभी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके दुनिया भर के खिलाड़ियों के बीच अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जहां ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को मंगलवार को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में शामिल किया गया, जिससे देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार के इस साल के विजेताओं की संख्या 12 पहुंच गई है। जब पुरस्कार समारोह 13 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने आज कहा है कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव में दोनों सीटों पर एनडीए की जीत उन लोगों पर करारा तमाचा है जो बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का खेला करने की मंशा पाले हुए थे। जब मोदी ने मंगलवार को बिहार विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत के बाद सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट करके कहा है कि ये परिणाम साबित करते हैं कि लालू प्रसाद यादव एक फ्यूज बल्ब है और उनकी पार्टी कंफ्यूज हाथों में है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में दो सीटों पर हुए उपचुनाव में आरजेडी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जेडीयू अपने दोनों सीटों को बचाने में सफल रही है। इधर चुनाव में हार के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कुशेश्वर स्थान से लौटने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि हम लोगों ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, हम जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन दोनों सीटों पर हमने अच्छा मुकाबला किया। जो लोग सत्ता में बैठकर गांव के हालात को भूल गए थे उन्हें हमने विकास का याद दिलाया। हमारे पास खोने को कुछ नहीं था, तारापुर में भी हमें अच्छी बढ़त मिली।
दोस्तों अब बात करते हैं कि राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी पर अक्सर विवाद होता रहता है। कई बार इस तरह के विवाद से बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। जो यूपी में अगले कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में नेताओं की बयानबाजी अब तेज होने लगी है। जहां बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्राण सुदत्त द्विवेदी ने एक सभा के दौरान कहा है कि 4 बीबियां और 40 बच्चे वाले आपका सब कुछ कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में तमाम ऐसी ताकतें हैं जो राज्य को तालिबानी बनाना चाहती है। वह उत्तर प्रदेश की आबादी में घुसखोर पैदा करना चाहती है और उनका सपना है कि तुम खूब पैसे कमाओ, जब हमारी आबादी तुमसे ज्यादा होगी तो फिर तुम्हारी बेटी और मकान हम पर कब्जा करके राज करेंगे। जी हां, इस बयान को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। कई लोगों ने इसे जाति धर्म के नाम पर टकराव पैदा करने की कोशिश बताया तो कई लोगों ने इसे सस्ती लोकप्रियता पाने की बात कही है। इससे पहले पिछले विधानसभा चुनाव 2017 के दौरान बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता सांसद साक्षी महाराज ने भी ऐसा ही बयान दिया था, जहां उस समय उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया था। हालांकि बयानबाजी और फिर उस पर आरोप प्रत्यारोप जैसी घटनाएं आए दिन होती रहती है। खास बात यह है कि ये सभी दलों में हो रही है और सभी दलों के नेता दूसरे दलों के नेताओं के बयान को आपत्तिजनक बताते रहते हैं। दोस्तों, देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल की जयंती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा पाकिस्तान की जनक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना पर दिया गया बयान उन पर ही उल्टा पड़ने लगा है। यहां ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड के चेयरमैन मौलाना याकूब बुलंद सहरी ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के आइडियल नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि मुसलमानों के वोट के बिना वे कभी यूपी में नहीं जीत सकते, इसीलिए वह मुसलमानों को लुभाने के लिए जिन्ना के फेवर में तरीके के बयान दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए अखिलेश यादव तरह तरह के हटकंडे अपनाकर मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ चुनावी समय में ही ऐसे बयान दे रहे हैं, जबकि ऐसे बयानों की कोई जरूरत नहीं है। जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश को यह समझना चाहिए कि भारतीय मुसलमानों का जिन्ना से कोई ताल्लुक नहीं है। भारत में रहने वाले मुस्लिमों ने जिन्ना के टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। भारत के मुसलमान ने 1947 में फैसला कर लिया था कि वे पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अखिलेश ये सोचते हैं कि ऐसे बयानों से एक वर्ग को खुश कर सकते हैं, तो वह गलत है। उन्हें अपने सलाहकारों को बदलना चाहिए, उन्हें खुद को शिक्षित करना चाहिए और कुछ इतिहास पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोरोना संक्रमण के कारण बीते साल 20 फरवरी से नेपाल के काठमांडू और जनकपुर के लिए बस सेवाओं को बंद कर दिया गया था। हालांकि अब दीपावली के ठीक पहले दोनों देशों की सरकारों ने बस सेवा बहाल करने का फैसला किया है। वहीं दीपावली के दिन यानी कि आज के दिन बिहार से नेपाल के लिए बस सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। हालांकि नेपाल सरकार की ओर से काठमांडू से पटना के लिए बस सेवा की शुरुआत मंगलवार से ही कर दी गई है। जब कागजी खानापूर्ति के कारण बिहार से चलने वाली बसों का आदेश 1 से 2 दिन लेट हो गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को हुई मतगणना में दोनों सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन NDA ने अपना कब्जा फिर से जमा लिया है। इस जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्षेत्र की जनता को बधाई भी दी है। जहां बिहार में 2 विधानसभा सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हुए उपचुनाव में मतदान के नतीजे घोषित कर दिए गए, जब दोनों ही सीटों पर JDU ने फिर से कब्जा जमा लिया। इधर कुशेश्वर स्थान सीट पर JDU के प्रत्याशी अमन भुजर हजारे ने RJD के गणेश भारती को 12,600 से ज्यादा मतों से पराजित किया। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। दोस्तों, बिहार में अगले साल नई शिक्षा नीति लागू होगी। यह शिक्षा के अधिकार के तहत 25% नामांकन अब प्री प्राइमरी कक्षा से ही लागू होगा। यह अब अभिभावक बच्चे का नामांकन 25% आरक्षण के तहत नर्सरी LKG में भी करवा सकेंगे। यानी कि अब 3 साल से 18 साल तक के बच्चों पर शिक्षा का अधिकार कानून लागू रहेगा। अब तक शिक्षा का अधिकार कानून में 6 से 14 साल तक के बच्चे आते थे, लेकिन अब इसे 3 से 18 साल तक कर दिया है। यह अब तक शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 25% आरक्षण का नामांकन 6 साल की उम्र में कक्षा 1 में होता था, लेकिन अब नर्सरी और LKG में ही नामांकन होगा। इसके लिए जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है, जहां सभी निजी स्कूलों की सूची तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत हर निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रहती है। अभी तक ये कक्षा 1 के लिए लागू था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से नहीं बल्कि नर्सरी में ही 25% सीटें गरीब बच्चों
छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी। ऐसे में हर जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा निजी स्कूलों की सूची तैयारी की जा रही है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की यात्रा जल्द ही सुगम हो सकती है। यह भारतमाला फेज टू प्रोजेक्ट के तहत बिहार में सड़कों का जाल बिछाने की योजना है। इसके तहत पटना कोलकाता एक्सप्रेस वे बनाने का भी प्रस्ताव है। 450 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे को बनाने में 17,900 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। जब पटना से कोलकाता तक एक्सप्रेस वे बनने से लाखों की तादाद में लोगों को सुविधा होगी, खासकर व्यापारी वर्ग को काफी सहूलियत होगी। जब बिहार में ज्यादातर सामान कोलकाता से आते हैं, एक्सप्रेस वे का निर्माण होने से माल ढुलाई की कीमत में काफी कमी आएगी, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर उपभोक्ता वस्तुओं पर पड़ेगा। जब पटना और कोलकाता के बीच एक्सप्रेस वे बनने से सड़क मार्ग से यात्रा के सुगम होने की संभावना है। जब पटना से कोलकाता को जोड़ने के लिए पहले से ही हाईवे है, लेकिन एक्सप्रेस वे के बनने से दोनों महानगरों की यात्रा में लगने वाले समय भी काफी कमी आएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि परसों उपचुनाव में जदयू की जीत के बाद जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल बना हुआ है। वहीं इस जीत के बाद लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दरअसल जेडीयू के बरबोले और चर्चित विधायक गोपाल मंडल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। दरअसल गोपाल मंडल ने तेजस्वी यादव को बच्चा दिमाग वाला बता दिया है। गोपाल मंडल ने केवल तेजस्वी यादव को ही नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव को भी निशाने पर लिया है। जब गोपाल मंडल ने कहा है कि तेजस्वी यादव का दिमाग बच्चा वाला है, वहीं तेज प्रताप यादव को लेकर कहा है कि तेज प्रताप यादव कोई नेता नहीं है बल्कि सिंदूर टिकुली करने वाले हैं, वे कुछ भी बोलते हैं उसका कोई आधार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लालू जी को यहां नहीं आना चाहिए था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के वैशाली में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही वोटिंग के दौरान उपद्रव की घटना सामने आई। जहां यहां वैशाली जिले के एक बूथ पर ईवीएम तोड़ने की घटना सामने आई। हंगामा करने वाले उपद्रवियों ने मतदान केंद्र पर ईवीएम को ही तोड़ डाला, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, जिसके बाद मौके पर वैशाली के एसपी दल बल के साथ पहुंचे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कहने के लिए तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूल यानी कि एनजीटी ने पटना सहित बिहार के 4 शहरों में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और गया में पटाखों के धुएं से लोगों को सांस लेने में परेशानी का खतरा है। जी हां, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और गया में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना सहित सभी 4 जिलों के डीएम और एसपी को निर्देश जारी करके पटाखों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने को कहा। इन शहरों में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए डीएम एसपी को निर्देश दिया गया, लेकिन राजधानी पटना में बोरिंग रोड चौराहे पर एक दर्जन से ज्यादा पटाखों की दुकानें हैं, जहां इनमें कई ऐसी दुकानें हैं जहां खतरनाक बम और रॉकेट की बिक्री हो रही है। इनका कोई रिकॉर्ड फायर विभाग के पास नहीं है, यहां सुरक्षा को लेकर भी कोई व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आने के बाद बिहार सरकार के मंत्री, बीजेपी के नेता नितिन नवीन ने कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट का दावा किया है। जब नितिन नवीन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी और कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। जब नितिन नवीन के अनुसार बहुत जल्द बिहार कांग्रेस में भगदड़ होने वाली है, कांग्रेस के कई विधायक भाजपा के साथ आ जाएंगे। मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने आरजेडी से अलग होने की हिम्मत तो दिखाई, लेकिन अब जब आरजेडी और कांग्रेस दोनों की हार हो गई तो फिर बिहार कांग्रेस के कुछ नेता फिर से आरजेडी के साथ जाने की कोशिश करेंगे। वही भाजपा नेता के दावे पर बिहार कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया है कि कांग्रेस के पास अब फिर से भद्रम शरणम गमछाने के सिवाय कोई चारा नहीं है। जब उनसे पूछा गया है कि इसका मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा है कि लालू यादव के शरण में जाना ही कांग्रेस की नियति फिर से बनने वाली है। जब कांग्रेस विधायकों के टूट पर जब बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिहार कांग्रेस ने अब तय कर दिया है कि बिहार में अपने दम पर खड़ा होना है, तो फिर अब वही होगा। उन्होंने कहा कि भले ही हम चुनाव हार गए, लेकिन इस चुनाव ने हमें कई रास्ता भी दिखाया है, जिसका फायदा आने वाले समय में कांग्रेस को मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार में लंबे समय से रुकी हुई पीटी टीचर भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने वाली है। जानकारी के अनुसार बिहार के शिक्षा विभाग ने बिहार के हर प्रारंभिक स्कूलों के लिए एक पीटी टीचर पद को
क्रिएट करने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में आधिकारिक नोटिस भी जारी कर दिया जा चुका है। साथ ही राज्य मंत्रिपरिषद से भी इसकी अनुमति मिल चुकी है। इसके अलावा भर्ती की पूरी प्रक्रिया में कितना खर्च आएगा इसकी जानकारी भी बिहार के महालेखाकार को दे दी गई है। आपको बता दें कि अनुमति नहीं मिलने के कारण ये भर्तियां लंबे समय से अटकी हुई थी। हालांकि अब इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार में पहले 3523 पद भरे जाएंगे। दोस्तों, लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के गंगा घाटों का जायजा लिया। जहां सीएम नीतीश कुमार के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी थे और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। जहां सीएम नीतीश कुमार बोट के जरिए गंगा घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने छठ पर्व की तैयारी को लेकर अधिकारियों को भी कई आवश्यक निर्देश दिए। जहां गंगा घाटों पर छठ करने वाले व्यक्तियों के लिए इस बार जो तैयारियां चल रही है वो प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। पटना के 93 में से 32 घाटों पर ही फिलहाल छठ पूजा होने की उम्मीद दिख रही है। बाकी घाटों पर दलदल होने की वजह से इस बार छठ पूजा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पटना में बुधवार की सुबह एक ऐसे शख्स की हत्या कर दी गई जिसने अपनी पूरी संपत्ति अपने प्यारे हाथी के नाम कर दी थी। जहां ऐसा करने की वजह से ये शख्स खुद अपने ही बेटे के निशाने पर था। अख्तर इमाम नाम के इस शख्स पर पहले भी हमले हुए थे। जहां एवरात ट्रस्ट के मालिक अख्तर इमाम ने अपनी पूरी संपत्ति अपने हाथी के नाम कर रखी थी। जिस हाथी के नाम अख्तर ने अपनी संपत्ति की थी उनकी हत्या पहले ही हो चुकी है। उस हाथी का एक बच्चा है। अख्तर की संपत्ति का मालिक अब वही बच्चा था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन में हैं। इस बीच पीएम मोदी का एक दिल छूने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस वीडियो में वे पूरी सहायता के साथ वहां रह रहे भारतीयों से मिल रहे हैं। वीडियो में पीएम मोदी जहां भारतीयों से पूरी विनम्रता अपनेपन से बात कर रहे हैं, वहीं बच्चों को भी दुलारते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर हर कोई उनकी तारीफ करते नजर आ रहा है। हालांकि पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि वे जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वहां रह रहे हम वतन लोगों से दिल खोलकर मिलते हैं। दोस्तों, WhatsApp अपने यूजर्स को जोड़े रखने के लिए बेहतरीन फीचर्स लाता रहता है और साथ ही पुराने फीचर्स को भी अपग्रेड करने की कोशिश करता रहता है। इसी कड़ी में WhatsApp अब अपने 4 साल पुराने डिलीट फॉर एवरीवन फीचर को अपडेट कर रहा है। आपको बता दें कि अभी तक डिलीट फॉर एवरीवन फीचर के इस्तेमाल से आप 68 मिनट तक मैसेज को डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। जी, अब WhatsApp इस समय सीमा को खत्म कर रहा है, यानी कि आप जब चाहे अपना भेजा हुआ मैसेज WhatsApp से डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।